हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेपजूम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मान लो आपने कैट में 90% प्लस लाया है, 95% प्लस लाया है या 98% प्लस लाया है, पर किसी रीजन की वजह से आपकी सेक्शनल कट ऑफ में गड़बड़ हो गई। अब वो सेक्शनल VARC हो सकता है, वो क्वांट हो सकता है या फिर वो DILR हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट सोचता है कि यार फिर से एक पूरे साल प्रिपरेशन करने का तो मन है नहीं, तो इसलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेलेक्टेड कॉलेजेस लेके आया हूँ जिसमें कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो मैंडेटरी है ही नहीं। मतलब अगर आप 90 प्लस मार रहे हो, 95 प्लस मार रहे हो, 99 प्लस मार रहे हो और अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया टॉप लीग के कॉलेजेस हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो और हो सकता है आपका फाइनल कन्वर्जन भी आराम से हो जाए। तो एक एक करके सारे कॉलेजेस को देखते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है IIM रोहतक। अब IIM सुनते ही बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि यार IIM में तो सेक्शनल कट ऑफ मैंडेटरी है, पर उन्हें लोगों को मैं बता दूं कि IIM रोहतक एक ऐसा इकलौता कॉलेज है जिसमें कि आपको सेक्शनल कट ऑफ की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आपकी 95% प्लस है तो चांसेस हैं कि IIM रोहतक आपको कॉल करेगा। फिर इनका एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें कॉम्पोजिट स्कोर निकालते हैं, फिर GD और PI के लिए बुलाते हैं। वो सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कैट की परसेंटाइल लानी जो कि आप ऑलरेडी ला चुके हैं। तो अगर आप सेफ सेफ में 95 से लेकर 96 मार रहे हो तो चांसेस हैं कि IIM रोहतक आपको कॉल करे और फिर आप एफर्ट्स मार के GDPI प्रोसेस या फिर PI और VAT प्रोसेस जो भी इनका हो उसके अकॉर्डिंग आप इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हो। हाईएस्ट पैकेज क्या है, 36 लाख, एवरेज पैकेज क्या है, 18 लाख, और इसी के साथ साथ फीस भी है इसकी 18 लाख रुपीज। तो अगर यहाँ पे सेक्शनल गड़बड़ है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हो। अब लिस्ट में अगला नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली दो टाइप के MBA कराता है, एक तो जनरल MBA और एक MBA है टेलीकॉम सेक्टर में। तो अगेन आप पे चॉइसेस रहेंगी कि आप जनरल MBA में अप्लाई करो या फिर टेलीकॉम सेक्टर में, एज पर योर नीड्स। एग्जाम कैट लेगा, सेफ परसेंटाइल है 97% फॉर जनरल। फीस है 11 लाख रुपए, कंपेरेटिवली काफी कम है, और जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 41 लाख, और जो एवरेज पैकेज है वो है 25 लाख। अब इनका कुछ ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो कि ये लोग फॉलो करेंगे बिफोर योर PI प्रोसेस आपको फिल्टर करने के लिए, जिसमें कैट का स्कोर की वेटेज रहेगी 60 मार्क्स। मतलब कि अगर आपका स्केल स्कोर इस रेंज से इस रेंज में है तो आपको फुल मिल जाएंगे, थोड़ा सा कम है तो थोड़े से कम मार्क्स मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली बैचलर डिग्री का, 12th का, 10th का, उसके अकॉर्डिंग जेंडर डाइवर्सिटी को ये प्रेफरेंस देते हैं। तो मान लो अगर आप फीमेल हैं तो आपको सीधा सीधा 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ अगर आप MOE फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी आपको एक्स्ट्रा 6 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगेन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इसी साल MBA टारगेट कर रहे हैं पर उनकी सेक्शनल में थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि इस कॉलेज में वो बच्चे भी आते हैं जिनकी सेक्शनल में गड़बड़ हुई है, और इसी के साथ साथ वो बच्चे भी आते हैं जिनकी तीनों सेक्शनल आराम से क्लियर थी एज पर ऑल IIMs। अब लिस्ट में अगला नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। फीस इसका एक मेजर फैक्टर है जिसके लिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दो प्रोग्राम रन करता है ये, एक तो IB यानी इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा HR। अभी पिछले साल इन्होंने एक तीसरा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, अब एग्जाम ये लेता है कैट। फीस इसकी 1 लाख रुपये बढ़ के हो गई है। पिछले साल तक इसकी फीस थी अराउंड 40 से 50 थाउजेंड फॉर होल कोर्स, पर इस बार इन्होंने बढ़ा के लगभग लगभग 96-97 थाउजेंड इनके ऑफिशियल ब्रोशर पे दिखाई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा है। अब जो कैट कट ऑफ है फॉर IB यानी इंटरनेशनल बिजनेस वो है 96%। अब IB की हो सकता है थोड़ी सी कम चली जाए यानी 94-95 हो जाए, डिपेंड करता है कि आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे। मतलब अगर आपका 10th और 12th काफी स्ट्रॉन्ग था तो आपको चांसेस हैं कि आप 93-94 पे भी आराम से कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये 10th और 12th को भी अच्छी खासी वेटेज देते हैं। इसी के साथ साथ अगर HR में जाना है तो आपकी परसेंटाइल अराउंड होनी चाहिए 92 से 94 के बीच में। BA इनका अभी अभी लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में ज़्यादा इंसाइट्स नहीं है, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पर क्लियर होंगे इंसाइट्स कि इसका प्लेसमेंट कैसा है, इसकी कट ऑफ, सेफ कट ऑफ क्या है एंड ऑल। पर एज ऑफ नाउ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 3 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। IB का हाइएस्ट पैकेज है 20 लाख रुपये, एवरेज पैकेज है 14 लाख रुपये, HR का 26.5 लाख रुपये हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज है 14 लाख रुपये। अब आप देखो ROI कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप 1 लाख रुपये दे रहे हो और 20 लाख और 25 लाख रुपये की प्लेसमेंट उठा रहे हो। अब लिस्ट में अगला देखते हैं। लिस्ट में अगला नाम है IIT मद्रास। इनका अपना एक डिपार्टमेंट MBA के लिए जिसे हम DOMS के नाम से जानते हैं। एग्जाम लेता है ये कैट, सेफ कट ऑफ रहती है 94 से 95। हालांकि बहुत सी साइट्स में काफ़ी कम कट ऑफ भी दे रखी है, मतलब 92-93 भी दिखा रखा है,
पर अगर आपकी 94-95 हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर फाइनल कन्वर्जन। फीस है 15 लाख रुपए, हाइएस्ट पैकेज है 30 लैक्स और एवरेज पैकेज है 20 लैक्स, जो कि एक काफ़ी टेम्पटिंग फिगर निकल के आ रही है। उसके अलावा फॉर देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर PINGD प्रोसेस, ये लोग क्या करते हैं, जो आपका स्केल स्कोर है उसका 75% वेट लेते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो एक्स्ट्रा आपको 3% वेट मिलेगा। ये डाइवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो अगर आप नॉन इंजीनियर हैं तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आपकी अंडर ग्रेड डिग्री में मान लो 90% से ज़्यादा था तो आपको सीधा सीधा 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर लेस देन 70 था तो 0 पॉइंट्स। सिमिलरली 10th और 12th की भी यही कहानी है। और वर्क एक्स अगर आपका 3 से 4 साल है तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, और इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। और मान लो अगर आपका वर्क एक्स लेस देन 12 मंथ्स है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये मोटा मोटा इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। अब चलते हैं अगले कॉलेज पे, जो है IIT खड़गपुर। एग्जाम कैट लेता है, 94 परसेंटाइल इनकी कैट की कट ऑफ रहती है, और मिनिमम 90 परसेंटाइल चाहिए होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। मतलब अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी आपकी प्रोफाइल फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर, पर जो सेफ परसेंटाइल मानी जाती है वो 94 से 95 परसेंटाइल प्लस मानी जाती है। फीस है 12 लाख रुपए, हाइएस्ट पैकेज गया है 43 लैक्स, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर निकल के आ रहा है एज कम्पेयर टू फीस। एवरेज पैकेज है 22 लाख रुपए। ठीक है, कॉम्पोजिट स्कोर के लिए आपका 10th देखते हैं, 12th देखते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी, अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉम्पोजिट स्कोर निकालते हैं। एंड फिर उसके बाद आपका GDNPI प्रोसेस कंडक्ट होता है। लिस्ट में अगला नाम है IIT रुड़की, जो कि कैट लेता है। सेफ कट ऑफ मानी जाती है 93 परसेंटाइल से लेकर 94 परसेंटाइल प्लस। उसके अलावा फीस इसकी काफ़ी कम है, 8 लाख रुपीज़। हाइएस्ट पैकेज गया 27 लाख्स और एवरेज पैकेज गया 18.34 लाख्स। ठीक है, अभी दोनों टाइप की कैटेगरी के लिए काफ़ी एडवांटेजेस है। पहली कैटेगरी वो जो कैट में मेहनत करके आई है और अगर सेक्शनल गड़बड़ हो गई तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी वो जो ऑलरेडी IITs में पढ़ रहे हैं, उन्होंने JEE क्वालिफाई किया है या JEE एडवांस, तो IIT रुड़की कहता है भाई तुम डायरेक्टली हमारे कैंपस में आओ, अपना पर्सनल इंटरव्यू दो, अगर वो अच्छा हुआ तो हम तुम्हें डायरेक्टली MBA का ऑफर लेटर दे देंगे, ना आपको कैट देने की जरूरत ना कुछ और करने की जरूरत। लिस्ट में अगला नाम है IIT कानपुर। IIT कानपुर एग्जाम कैट सेफ परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल, अगेन 80 परसेंटाइल प्लस चाहिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कि आपको ये कंसिडर करें कि भाई GDPI प्रोसेस में बुलाना है या नहीं बुलाना। उसके अलावा 5 लाख रुपये फीस, जो कि काफ़ी टेम्पटिंग है। हाईएस्ट पैकेज 24 लैक्स, अगेन ROI वाला एंगल क्लिक हो गया। उसके बाद एवरेज है 18 लाख रुपये। शॉर्ट लिस्टिंग अगेन कैट स्कोर और एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर होगी, जिसके बाद आपका GDNPI कंडक्ट होगा। IIT गाजियाबाद एक प्राइवेट कॉलेज है, जो कि कुछ टाइम पहले तक मैक्का ऑफ मार्केटिंग कहा जाता था, पर आने वाले सालों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका नाम डाउन हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि एकदम ही डाउन हो गया। अभी भी ये टॉप लीग के कॉलेजेस में आता है, और इसका जो एग्ज़ाम लेता है ये कैट लेता है। सेफ परसेंटाइल है 92 परसेंटाइल प्लस। उसके अलावा फीस है 21 लाख रुपये। हाइएस्ट पैकेज है 65.60 लैक्स, जो कि अगेन इंटरनेशनल पैकेज है ऑब्वियसली। एवरेज पैकेज है 17 लाख रुपये। अब IIT गाजियाबाद अपना वैट कराता है, उसके बाद PI कराता है, और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए ये अपनी शॉर्टलिस्ट निकालता है। डिफरेंट कोर्सेज मतलब BFSI है, एक इनका कोर है, एक इनका मार्केटिंग है, इस टाइप से। तो अगेन अगर आपकी सेक्शनल में गड़बड़ है पर ओवरऑल अच्छी परसेंटाइल है, 90 प्लस 92 परसेंटाइल प्लस, तो आप इस कॉलेज को आराम से कन्वर्ट भी कर लोगे। उसके अलावा आज भी इस कॉलेज की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अब लिस्ट में अगला नाम है GIM गोवा, यानी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अभी एक ऐसा कॉलेज है जो पिछले कुछ सालों में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है अपनी ग्रोथ। उसके अलावा एग्जाम ये कैट लेता है। सेफ परसेंटाइल जो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखी गई है वो है 88 परसेंटाइल प्लस। इनका एक अचीवर्स राउंड भी है, जिसमें कि अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी सी कम हो तो आपको चांसेज हैं कि कॉलेज आपको कॉल कर ले और आपका कन्वर्जन हो जाए। फीस है इसकी 19 लाख रुपये, अगेन प्लस माइनस 1 लाख। हाइएस्ट पैकेज जो गया है इसका ये 60 लाख रुपये, और जो एवरेज पैकेज गया है वो लगभग लगभग 14 लाख रुपये। कॉलेज अच्छा है, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रहा है, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस कोर्स में ज्वाइन करना है। सेफ परसेंटाइल मैंने आपको बता दी। अब अगेन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, ये जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं ये मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक रैंक के हिसाब से कॉलेज नहीं बताए, जैसे जैसे स्लाइड्स में अरेंज थे उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलेजेस बताए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज सबसे पहले है वो रैंक 1 है, जो दूसरे नंबर पे है वो रैंक 2 है।
ठीक है। अगेन अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये वाला कॉलेज भी है वो वाला कॉलेज भी है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो अगेन 40 से 50+ कॉलेज ऐसे हो जाएंगे जो कि सेक्शनल कट ऑफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर ये मैंने ऐसे कुछ 8 से 10 कॉलेजेस निकाले जिसमें कि अगर आपकी कैट की परसेंटाइल 90, 92, 94 परसेंटाइल प्लस हो तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इन कॉलेजेस में हर टाइप का स्टूडेंट आता है। एक वो स्टूडेंट भी आता है जिसने कि कैट में अच्छा किया है और उसकी सेक्शनल कट ऑफ तीनों में क्लियर है, और वहीं पे दूसरा एक ऐसा स्टूडेंट भी आता है जिसने कैट में अच्छा किया है, उसकी परसेंटाइल काफी अच्छी है पर सेक्शनल गड़बड़ है। तो ये उसके हिसाब से लिस्ट बनाई गई है 8 से 10 कॉलेजेस की। तो आई होप कि आपको इनसाइट्स मिले होंगे, क्योंकि अब आंसर की आ चुकी है तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। क्लियर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी तो भी आप इन कॉलेजेस को भर के एक अच्छा ग्रोथ और एक अच्छा किक स्टार्ट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इन कॉलेजेस को हर टाइप का स्टूडेंट भरता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, और इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो कि सिमिलर माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं।